नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है साउंड, कि मल्टीमीडिया में साउंड कंपोनेंट को किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन को बोलकर आवाज़ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी सहायता से हम अपनी बातों को किसी भी यूजर तक या किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक साउंड के माध्यम से या वॉइस के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साउंड एक इतना इफेक्टिव मल्टीमीडिया कंपोनेंट है जो किसी भी यूजर को या किसी भी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन आवाज़ के रूप में, ध्वनि के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में उसके कानों तक पहुंचाता है, और जिसको सुनकर कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। साउंड मल्टीमीडिया के सभी एलिमेंट में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, जिसका यूज विभिन्न प्रोजेक्ट के आवश्यक जानकारी को यूजर तक पहुंचाने के लिए एक मीनिंगफुल स्पीच के रूप में सुनाया जाता है। यानी कोई भी जानकारी एक स्पीच के रूप में, वॉइस के रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। साउंड के माध्यम से किसी प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन को अधिक प्रभावित बनाया जाता है। यानी कोई भी मूवी है, कोई पिक्चर है, यदि उसमें हम साउंड इफेक्ट डाल देते हैं तो वह मूवी, वह पिक्चर हमसे बात करती हुई दिखाई देती है। हमें यह महसूस होता है कि कोई हमारे सामने ही है जो हमसे बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। पहले के समय में चिट्ठियां लिखकर कम्युनिकेशन किया जाता था, लेकिन आज के समय में आप जानते हो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, वॉइस कॉलिंग के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में हमें यह प्रतीत होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे सामने ही उपलब्ध है। साउंड के माध्यम किसी प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन को अधिक प्रभावित बनाया जाता है और ऑडियंस को प्रोजेक्ट की ओर आकर्षित किया जाता है। साउंड किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में उसकी सफलता को डिस्प्ले करता है। यानी साउंड के माध्यम से कोई मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट अधिक सफल हो जाता है। और यदि किसी साउंड का यूज प्रोजेक्ट में सही तरीके से नहीं होता है, यानी सपोज करो कोई आपकी मल्टीमीडिया फाइल चल रही है, कोई मूवी चल रही है, यदि उसमें आपका जो साउंड है वो कहीं आगे या पीछे मूव हो रहा है, यानी कभी कभी क्या होता है मूवी में लिपसिंग पहले जाती है, साउंड बाद में निकल के आता है, तो हमारे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ख़राब कर देता है, ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है, तो वह प्रोजेक्ट कम प्रभाव वाला हो जाता है। साउंड का प्रभाव हर उस मीडिया में किया जाता है जिसे हम देख और सुन सकते हैं। यानी साउंड कंपोनेंट का यूज हर उन मल्टीमीडिया प्रोग्राम में होते हैं, फाइल में होता है जिसे हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। जैसे हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखना और उसमें आवाज़ का आना और वह आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचना हमें यह बताता है कि मूवी में क्या हो रहा है, कौन कैरेक्टर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो उसी प्रकार से साउंड का यूज बहुत ही ज़रूरी होता है मल्टीमीडिया में किसी प्रोजेक्ट को सुनने और देखने में। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न में मूवी देखना, वेबसाइट में साउंड का यूज होना, साउंड इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने और उसे इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। साउंड सामान्यतः वाइब्रेशन के रूप में होता है। साउंड जो होते हैं वो चलती हुई ध्वनि या आवाज़ों के रूप में हमारे कानों तक पहुँचती है। यानी कंपन होता है एक प्रकार का, जो हमारे कानों तक टकराता है और कानों में के अंदर एक आवाज़ जनरेट करता है, और वो आवाज़ हमारे ब्रेन तक पहुँचती है जिसे हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और साम और जो आवाज़ के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजी जाती हैं, वे वेव्स यानी तरंग हैं जो साउंड के एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करती हैं, साउंड वेव्स कहलाती हैं। यानी जिनकी तरंगों के माध्यम से साउंड हमारे कानों तक पहुंचाई जा रही है उसे हम वेव्स कहते हैं, साउंड वेव्स के नाम से जानते हैं। साउंड वेव्स निम्नलिखित कंपोनेंट पर निर्भर करती हैं। यानी साउंड कितनी स्पीड से
कितनी तेज़ी से हमारे पास आ रहा है, तो वो चार प्रभाव होते हैं उसके। पहला साउंड फ्रिक्वेंसी, यानी कितनी डिस्टेंस साउंड कवर कर रहा है। साउंड वेवलेंथ, यानी कितनी तीव्रता से उसे हमारे कानों तक पहुंचाया जा रहा है। साउंड एम्पलीट्यूड, यानी जब हम कुछ बोलते हैं तो एक पीक पॉइंट निकलता है, यानी स्पीड निकलती साउंड की कि हम कितना चिल्ला रहे हैं। तो जहाँ तक हमारा साउंड जाता है वहाँ से वो लौट के आता है, तो उस डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एंड साउंड वेलोसिटी, यानी त्वरित, यानी वेग, कि सामने वाला कितनी तेज़ी से हमें आवाज़ दे रहा है। तो चारों पॉइंट हमारे साउंड को अधिक प्रभावित बनाते हैं। साउंड की लाउडनेस या वॉल्यूम को साउंड की प्रेशर लेवल, यानी साउंड जितनी तेज़ी से हमारे पास आ रहा है उसे मेजर करने के लिए प्रेशर लेवल का यूज किया जाता है, जिसे मैनेजमेंट मेजरमेंट, यहाँ पे जो मैनेजमेंट लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप काट के से मेजरमेंट कर सकते हो, जिसे मेजरमेंट यूनिट डीबी यानी डेसिबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। साउंड को मापने की जो यूनिट होती है ना, उसे हम डीबी कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। डीबी सामान्यतः लॉगरिथमिक स्केल के रेफरेंस आदि लेवल का रेशो होता है, यानी लघुगणक जो वैल्यू होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डीबी का यूज किया जाता है। तो उसी के रेशो में हमारी साउंड की स्पीड को मापा जाता है। साउंड एक ऐसा कंपन है जिससे सुनने की शक्ति के आधार पर पहचाना जाता है, यानी ऐसी वाइब्रेशन जो हमारे कानों तक आती है और जिसे हम समझते हैं, जिससे हम उस आवाज़ को सुन सकते हैं। सामान्यतः हम उन वाइब्रेशन को सुनते हैं जो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती हैं। जैसे कहीं कोई मंदिर में घंटी बजा रहा है, तो वो घंटी का कंपन हमारे कानों तक कहीं ना कहीं से आएगा, तो वो एक प्रकार का साउंड। कहीं ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं से हमारे कानों तक पहुँच रहा है, तो वो भी एक प्रकार का साउंड। तो जिसे हम साउंड एक कंपन के माध्यम से पहचानते महसूस करते हैं, और वह साउंड के रूप में हमारे कानों तक पहुंचता है। साउंड गैस और लिक्विड के माध्यम से भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, लेकिन साउंड खाली जगह पर ट्रांसफ़र नहीं होता है, जहाँ वैक्यूम एरिया होता है उसमें किसी प्रकार का साउंड का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं अपने साउंड की विशेषताओं के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी किसी साउंड वेव के कारण एक निश्चित पॉइंट पर एक सेकंड में हवा के दबाव के कारण होने वाले ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन मतलब दोलन, दोलन यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जब एक साइड से दूसरी साइड टकराती है, तो एक सेकंड में वो कितना लेफ्ट टू राइट मूव हो रही है, उस प्रोसेस को हम दोलन कहते हैं, ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो प्रति सेकंड हवा के कारण आपका जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो कितना मूव हो रहा है, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। प्रति सेकंड एक दोलन को 1 हर्ट्ज कहा जाता है, यानी एक सेकंड जितनी दोलनों की संख्या होगी उसे 1 हर्ट्ज से मापा जाता है। फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव की वेवलेंथ या स्पीड को मापने के लिए एक यूनिट ऐसे स्पीड या फ्रिक्वेंसी के द्वारा मापी जाती है कि आपकी जो स्पीड है प्रति फ्रिक्वेंसी कितनी है। यह स्पीड 343 मिलीसेकंड पर सेकंड को देखते हुए 20 हर्ट्ज की साउंड वेव में लगभग 17 mm की तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करती है, यानी कोई फ्रिक्वेंसी आपकी 343 मिली लेंथ पर सेकंड है, तो इसका मतलब उसके अंदर 20 हर्ट्ज दोलन है, ऑक्सीलेशन है, 20 kHz ऑक्सीलेशन है, और उसकी तरंग दैर्ध्य जो वेव लेंथ है जिसे हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वो आपकी 70 mm की हो जाती है। यानी जो कुछ यूनिट्स हैं जो साउंड को रिप्रेजेंट करती हैं। साउंड वेव लेंथ यानी उसकी तरंगदैर्ध्य क्या है, वेव लेंथ टू सीक्वेंशियल वेव सबस्ट्रेट क्रिस्ट, सॉरी वेव लेंथ टू सीक्वेंशियल वेव क्रिस्ट यानी तरंग संयोगों के मध्य की दूरी होती है, अर्थात यह वह दूरी है जिसमें वेव एक साइकिल के दौरान पूरा हो रहा है। यानी जो मैंने आपको बोला ना, एक साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस उसी जगह पर पहुँचना एक साइकिल कहलाता है। साउंड की फ्रिक्वेंसी सीमा की वह रेंज होती है जो मनुष्य को सुनने की क्षमता रखता है, यानी हमारे पास साउंड किस प्रकार से आ रहा है, तो उसको मापने के लिए वेवलेंथ का यूज किया जाता है। और जी जो रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी किसी को कम सुनाई दे रहा है इसका मतलब उसकी वेवलेंथ कम है, किसी को ज़्यादा सुनाई दे रहा है यानी उसकी वेवलेंथ अधिक है। और यह रेंज के ऊपर और नीचे ध्वनि क्रमशः अल्ट्रासाउंड या फिर
इंट्रासाउंड कहलाती है। तो आपकी साउंड यदि अधिक है तो अल्ट्रा हो गई, और कम है तो वो इंफ्रासाउंड के नाम से जानी जाती है। साउंड एम्पलीट्यूड क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि सपोज करो हमें कोई बॉल नीचे से ऊपर की ओर फेंकी, तो हमारी बॉल जितनी स्पीड से फेंकी तो वो लास्ट में कहाँ तक गई, और जो वहाँ से तो उसे लौटना ही है फिर, तो जहाँ से ना उसको उछाला और जहाँ तक वो गई यानी लास्ट पॉइंट तक, तो उस पूरी डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो इसी पर हम बोल रहे हैं, तो हमने जो आवाज़ बोली और वो कहाँ तक गई, फिर टकरा के वो हमारे कानों तक आई, तो उस डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वह साउंड का आयाम होता है जो तारत्व के नाम से था, तो यानी एम्पलीट्यूड यानी स्पीड। साउंड को निष्क्रिय अथवा औसत स्थिति में हवा के दबाव द्वारा तरंग के डिस्प्लेसमेंट का मापन साउंड का आयाम कराता है। यानी जो आपकी हवा के माध्यम से आपकी आवाज़ जितनी दूरी तक तेजी जा रही है, जितनी दूरी पर उसको यूज किया जा रहा है, तो वो कराता है हमारा आयाम। एम्पलीट्यूड वेव के भीतर साउंड दबाव परिवर्तन का आउटपुट है। यानी आपकी जो हवा में जो साउंड का दबाव बनता है उसमें जो चेंजेज होते हैं उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को सामान्यतः साउंड दबाव स्तर के रूप से दर्शाया जाता है, और इसे हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं यानी मापते हैं। साउंड वेलोसिटी, साउंड की गति हवा के दबाव पर निर्भर करती है। साउंड की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, यानी जहाँ पर हवा कम होगी वहाँ पे आपकी साउंड अधिक क्लियर दूरी कवर करेगी, और जहाँ पे हवा ज़्यादा होगी वहाँ पे आपकी साउंड डिसबैलेंस हो जाएगी यानी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे हम ना कोई पतंग चला उड़ाते हैं, यदि हवा ज़्यादा तेज है तो वो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा उड़ती है, और हवा नहीं है तो उसको उड़ाने में हमें दिक्कत होती है। उसी प्रकार से साउंड, यदि यहाँ पर साउंड का उल्टा है यानी साउंड हवा बिल्कुल नहीं है, हवा बहुत ज़्यादा है तो आपकी साउंड को बहुत दूरी तक ले जाएगी, और जैसे हवा बिल्कुल कम है तो साउंड में आपको ज़्यादा वेग या आपको ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी। साउंड का प्रचार गति उस माध्यम प्रकार तापमान दबाव आदि पर निर्भर करता है जिसके माध्यम से प्रचार करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा लगभग एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है, यानी जो हमारे साउंड के अकॉर्डिंग कार्य करती है। शुष्क हवा में 20 डिग्री सेल्सियस और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर साउंड की गति 343 मिली पर सेकंड होती है, जो मैंने आपको बताया था। और साउंड की गति वेवलेंथ की फ्रिक्वेंसी से भी संबंधित है, यानी जितनी अधिक वेवलेंथ उतनी अधिक फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने बात की थी साउंड के बारे में एंड साउंड के चार प्रकार के इफेक्ट के बारे में। अभी मैं आपको साउंड के बारे में और बताऊंगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साउंड इफेक्ट के बारे में। तो साउंड इफेक्ट कृत्रिम रूप से बनाई गई या बड़ी हुई आवाज़ होती है। यानी साउंड इफेक्ट से तात्पर्य जो नॉर्मली हम साउंड बोलते हैं उस साउंड को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, और उसमें कई प्रकार के आर्टिफिशियल इफेक्ट को डालने के लिए, आर्टिफिशियल साउंड को जोड़ने के लिए हम अपने साउंड को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। तो आज के समय में मूवीज में, गेम्स में, सीरियल्स में आप देखते होंगे कि किसी ओरिजिनल साउंड के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा साउंड निकल के आते हैं। जैसे जब भी कोई शौक वाली बातें होती है तो पीछे आवाज़ सी निकल के आती है, दरवाज़ा खोलने की अलग आवाज़ निकल के आती है। तो इस प्रकार के किसी भी सीरियल या मूवी को अधिक अट्रैक्टिव बनाने के लिए साउंड में कई प्रकार के इफेक्टों का यूज किया जाता है, तो जिससे हमारे साउंड को अधिक इनहेंस किया जाता है, उसको और अधिक बढ़ाया जाता है। जो किसी क्रिया, मनोदशा या भावना को महत्व देने या व्यक्त करने के लिए कलात्मक कार्यों को उपयोग में लाती हैं। शुरुआत में जो रेडियो के नाटक चलते थे या फिर रंगमंच चलते थे, उनके नाटक होते, उसमें नॉर्मली वॉइस का यूज किया जाता था। अब उन वॉइसों को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पर पॉडकास्ट, थिएटर, फिल्मों, टेलीविज़न शो में आजकल साउंड इफेक्ट अधिक उपयोग किया जाता है। यानी इसमें कई प्रकार की रिकॉर्डिंग होती है, वो कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होती है, और जिसमें हम ओरिजिनल साउंड के साथ साथ और एक्स्ट्रा इफेक्टों को भी शामिल करते हैं। साउंड इफेक्ट अक्सर कई कार्यों के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब जोड़े जाते हैं, मिलाए जाते हैं और एक साथ चलते हैं। जैसे कि तेज़ आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करना, यानी साथ में कोई तेज़ आवाज़ चल रही है और साथ में एकदम दरवाज़ा की आवाज़ हो रही है, बंद होने की आवाज़ हो रही है, तो ऐसे कई आवाज़ों को एक साथ सिंक्रोनाइज करके रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटिसिपेशन या अन्य भावनाओं को प्रदर्शित करना, यानी कोई फीलिंग, हंसी,
यानी अलग अलग प्रकार के इंसानों की फीलिंगों को आज साउंड के माध्यम से हम दर्शाते हैं, और के लिए दृश्य के बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट का भी यूज किया जाता है। यानी कहीं दुखी वाला सीन चल रहा है, इमोशन वाला सीन चल रहा है, तो वहाँ पर साउंड एकदम बदल जाती है। कहीं मतलब किसी षड्यंत्रकारी कोई सीन चल रहा है, तो वहाँ पर षड्यंत्र वाले आपकी कोई साउंड आती है। जैसे आप जेठालाल नाटक देखते हैं ताज मेहता में, जेठालाल जब गुस्सा होता है तो उसके अंदर से इस शेर जैसी आवाज़ आती है। तो इसी प्रकार से कि अलग अलग लोगों के ओरिजिनल साउंड के साथ साथ उनके भावनाओं के आधार पर डिफरेंट प्रकार के इफेक्ट को उसमें शामिल करना साउंड इफेक्ट कहलाता है। अप्रत्याशित रूप से सबसे यथार्थवादी साउंड यानी जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं इफेक्ट वास्तविक दुनिया की रिकॉर्डिंग होती है, और इन साउंड इफेक्ट को बनाने के लिए रिकॉर्ड की गई वास्तविक दुनियाओं के संपादित किया जाता है। जो हमारी ओरिजिनल साउंड है उसमें कई प्रकार की एडिटिंग करके हम एक इफेक्टिव साउंड तैयार करते हैं और उसको अधिक बढ़ाते हैं। कभी कभी सॉफ्टवेयर का यूज करके पिच यानी साउंड की जो स्पीड होती है, पिच तीव्रता और ध्वनि को दूसरे पहलुओं को भी बदला जा सकता है। यानी अलग अलग प्रकार से हम साउंड को अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कहीं पर आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो वहाँ उसे कम कर सकती हैं, कहीं पर आवाज़ बहुत स्लो आ रही है वहाँ उसको बढ़ा सकती हैं। तो ऐसे कई कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से साउंड में यूज किए जाते हैं। इस तरह के साउंड इफेक्ट कम यथार्थवादी होती हैं। इन दोनों प्रकार के स्टॉक साउंड इफेक्ट व्यापक रूप से उपलब्ध होते हैं और साउंड इफेक्ट लाइब्रेरी में पाए जा सकती हैं। फिल्मों और टेलीविज़न कार्यक्रम में एक साथ कई साउंड उपयोग किए जाते हैं, अक्सर यथार्थवाद को स्थापित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ध्वनि के प्रभाव को किसी दृश्य या वास्तविकता का आपस कराना होता है। जैसे आप जंगल में हैं तो वहाँ पर जंगल जैसा साउंड आएगा, आप नदी के किनारे हैं तो नदी जैसा साउंड आएगा। तो हमें एक ऐसा महसूस कराया जाता है कि हम ओरिजिनल में उस एरिया में हैं और जहाँ पर उसी के जैसा हमें साउंड इफेक्ट दिखाई देता है, तो उसे हम यथार्थवाद कहते हैं, उसी की तरह। कई सूक्ष्म ध्वनियों का उपयोग जैसे कि भय की अनुमति, जैसे कहीं डर लग रहा है हमें तो वहाँ पर पीछे से डर वाली आवाज़ आएगी, कपड़े की सड़गड़ाहट आएगी, हल्के कदमों की आवाज़ें आएंगी, फिल्मों के बैकग्राउंड में धीमी बातचीत करने की आवाज़ें आएंगी, एवं असहज और अस्वाभाविक रूप से शांत दृश्यों की समझ स्थापित करके दृश्यों को जीवित यानी रियल बनाया जाता है। तो आज के समय में कई ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल जिनके माध्यम से हम काल्पनिक चीज़ों को भी रियल में बदलकर एक मूवी को उसमें अधिक साउंड इफेक्ट को शामिल करके अपने नाटक को, अपने पिक्चर को, मूवी को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। पूरी तरह से यह माना यह नया प्रभाव बनाने के लिए ध्वनियों को एक लेयर में किया जाता है, और अक्सर इस तरह के साउंड इफेक्ट की लेयरिंग तब की जाती है जब कोई मौजूदा साउंड इफेक्ट किसी निर्माता की ज़रूरत को पूरा नहीं करता। यानी कोई साउंड ओरिजिनल नहीं मिल रही तो फिर हम सॉफ्टवेयर का यूज करके उसमें कई लेयरों के माध्यम से अलग अलग साउंडों को बनाते हैं और उन सभी साउंडों को सिंक्रोनाइज करके एक पिक्चर के रूप में या एक सीरियल के रूप में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी साउंड इफेक्ट दृश्य के अनुसार आसानी से नहीं बनाया सकता है, यह प्रथा साइंस फिक्शन फिल्मों के विषय रूप में आम बात है, जो अक्सर विभिन्न पौराणिक पात्रों, कल्पित राक्षसों और भविष्य के नवाचरों और आधारभूत संरचनाओं के नाट्य रूप में पेश करती हैं जो वर्तमान और मौजूद दुनिया को उपलब्ध नहीं होती। जैसे डायनासोर की आवाज़ किसी ने सुनी नहीं, लेकिन जो जुरासिक पार्क जो मूवी बनी उसमें डायनासोर की आवाज़ डाली गई है। राक्षसों की आवाज़ किसी ने सुनी है नहीं, लेकिन इफेक्ट के माध्यम से राक्षसों की आवाज़ बनाई गई है। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट आज के समय में सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूज किए जा रहे हैं। ऐसे कुछ और इफेक्ट होते हैं जो साउंड में यूज किया जाता है, जैसे आइसोलेटेड साउंड यानी जो अलग से चमकता है, अलग से साउंड यूज किया जाता है। जैसे आइसोलेटेड साउंड में डोरबेल की आवाज़ आ जाती है, कार के हॉर्न की आवाज़ आ जाती है, टेलीफोन की रिंग की आवाज़ आती है, ऐसे रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं हमारे साथ, वे सभी आवाज़ हमारे आइसोलेटेड साउंड के रूप में जाने जाते हैं। ये वास्तविक और विशिष्ट साउंड होते हैं। जैसे किसी ने घंटी बजाई तो डोरबेल की जो आवाज़ आ रही है वास्तविक है, जो आप सुनते हैं जैसे कुत्ते का भौंकना, बंदूक की फायरिंग, दरवाज़ा को तेज गति से बंद करना, तो ये सब चीज़ें, टायर कार के टायरों की आवाज़, तो सब चीज़ें आज आइसोलेटेड आवाज़ के रूप में जानी जाती हैं। तो जब भी हमें कहीं इस प्रकार से एक आवाज़ के साथ कई और आवाज़ सुनाई देती हैं तो उन्हें हम आइसोलेटेड इफेक्ट कहते हैं।
जैसे आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं या फिर पिक्चर देखती हैं, तो उसमें एक साथ कोई आदमी जा रहा है, एकदम मौसम चेंज हो गया तो बादल के गरजने की आवाज़ आ गई, फिर एकदम बारिश बरसने लगी तो पानी की आवाज़ आने लगी, बिजली चमकने लगी, तो ऐसे अलग अलग आवाज़ों को मिलाकर इन्हें हम आइसोलेटेड साउंड या आइसोलेटेड इफेक्ट कहते हैं। स्पेशलिटी इफेक्ट यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की आवाज़ को रिप्रेजेंट करना, किसी पर्टिकुलर चीज़ की आवाज़ को, वस्तु की आवाज़ को रिप्रेजेंट करना स्पेशलिस्ट साउंड कराता है। इसमें साउंड बे साउंड होते हैं जो वस्तुओं और स्थानों के लिए डिजाइन की जाती हैं, जो केवल हमारी कल्पनाओं में मौजूद होते हैं, यानी ये ओरिजिनल साउंड नहीं होती, इन्हें आर्टिफिशियल रूप में बनाया जाता है। आप कार्टून देखते हो, कार्टून में विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बोलने की आवाज़, तो ये स्पेशलिटी साउंड कहलाती है। फैंटेसी और साइंस फिक्शन प्रोडक्शन में स्पेशलिटी इफेक्ट का यूज करती हैं। स्पेशलिटी इफेक्ट एक अंतरिक्ष ट्रांसपोर्टर के विशेष ध्वनि, एक जिन्न की ध्वनि या पीतल के दीपक या जादू का विशाल बैगनी, लोगों को खाने वाले कार्टून, जानवरों के लिए यानी जो आवाज़ बनाई जाती है, भिन्न भिन्न जानवरों की आवाज़ों को जो तैयार किया जाता है, तो उन्हें हम स्पेशलिस्ट साउंड के नाम से जानते हैं। फॉली साउंड, इनका यूज मोशन पिक्चर टेलीविजन प्रोग्राम में विजुअल के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, हमारी जो इमेजेज होती हैं उनके पीछे साउंड डाले जाते हैं, उन्हें हम फॉली साउंड के नाम से जानते हैं। जैसे आप कोई मतलब अपने बहुत सारी फ़ोटो ले ली, अब हम चाहते हैं फ़ोटो को मूव कराना है और पीछे वीडियो डालनी है, गाना डालना है, कोई ऑडियो डालना है, तो उन मोशन पिक्चर के साथ जो बैकग्राउंड और म्यूजिक चलता है उसको हम फॉली साउंड के इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में साउंड ऑडियो साउंड रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। फॉली का जादू एक फिल्म साउंड ट्रैक में विशेष साउंड इफेक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए यानी उसको जनरेट करने के लिए किया जाता है, और जैसे कॉफ़ी के कप की खड़खड़ाहट, मेज के नीचे रखना, कपड़ों का सरसराहट, चेहरे में कभी पंच मारने की आवाज़, ये सब साउंड हमारे फॉली साउंड कराते हैं, जो हमारी मतलब मूवी को और अधिक इफेक्टिव बनाती हैं। बैकग्राउंड आवाज़, बैकग्राउंड एमबीएस यानी नाम दिया गया है, ट्रैक एक प्रोडक्शन के मूल वातावरण को प्रदान करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी हम किस जगह पर हैं, किस स्थान पर हैं, उस स्थान पर उसी जैसा माहौल क्रिएट करना, उसी जैसी आवाज़ों को आना बैकग्राउंड आवाज कहलाता है। जैसे आप यदि अदालत में हैं तो अदालत जैसा माहौल बन जाएगा, रेलवे स्टेशन पे तो ट्रेनों की आवाज़ों जैसी आवाज़ आएगी वहाँ पर, तूफान जंगल, तो जिस जगह पर आप हैं उसी की जैसा वातावरण क्रिएट करना, उसी की जैसी आवाज़ क्रिएट करना हमारे बैकग्राउंड एम्बियंस आवाज़ कहलाती है, इफेक्ट कराते हैं। तो कहने का मतलब साउंड को जो मूवी में पिक्चर में नाटक में हम देखते हैं, कार्टून में जो साउंड हम देखते हैं, वह साउंड ओरिजिनल साउंड नहीं होती, यानी उसमें ओरिजिनल में कुछ चेंजेस करके, कभी आप देखते हो कि एक्टर की आवाज़ ओरिजिनल सुनो तो बहुत बेकार सी लगती है, लेकिन मूवी या सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें बहुत सारे इफेक्ट डाले जाते हैं जिससे वो आवाज़ बहुत क्लियर हमारे सामने हो जाती है और वो हमें मनमोहक हो जाती है, मधुर हो जाती है, जिससे हम उसकी तरफ अधिक अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की साउंड इफेक्ट के बारे में। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और इन्हें भी आप एग्ज़ाम में साउंड इफेक्ट के रूप में लिख सकती हैं। धन्यवाद। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साउंड के बारे में, तो यहाँ पर हमने एक फाइल और ओपन की है जिसमें हमने बताया है साउंड के महत्व को। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए साउंड का उपयोग किया जाता है। साउंड मल्टीमीडिया सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, जो अपन अभी जान चुके थे, पढ़ चुके थे। बहुत ही धीमी आवाज़ से लेकर तेज चिल्लाने तक किसी भाषा में कोई भी अर्थपूर्ण आवाज़ ध्वनि होती है, यानी हम धीरे बोल रहे हैं या तेज बोल रहे हैं या कोई भी बातें साउंड के रूप में भेज रहे हैं, वे सभी हमारी आवाज़ कहलाती है, और यही हमें संगीत सुनने में आनंद देती है, यानी हम जो भी साउंड कहीं से सुनते हैं तो वो हमें किसी न किसी प्रकार से एंटरटेनमेंट करती है। ध्वनि के माध्यम से फिल्मों में, एनिमेशन में इत्यादि को प्रभावशाली बनाते हैं, यानी साउंड किसी भी जगह हम यूज कर सकते हैं, मूवी में, गेम्स में, खेलने में, किसी से वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग में, तो उसकी वजह से हमारा वह प्रोजेक्ट या प्रोग्राम अधिक इंटरेस्टेड हो जाता है। साउंड वह शब्द ध्वनि के एनालॉग रूप में उपयोग किया जाता है। साउंड जो होता है, जो हम बोलते हैं, वो एनालॉग होता है, और जब उसको हम कंप्यूटर में यूज करते हैं या किसी डिवाइस में यूज करते हैं तो वह साउंड डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम ऑडियो कहते हैं। आजकल बहुत से एप्लीकेशन और प्रोग्राम हैं
जो इंटरनेट का उपयोग करके लोगों को शिक्षित करने की डिजाइन कर रहे हैं, जैसे हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टेस्ट की इंफॉर्मेशन साउंड के रूप में रिप्रेजेंट करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सी जगह पर जहाँ पर साउंड के माध्यम से लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। इंटरनेट में बहुत सारे सेक्शन वीडियो और ऑडियो मिल जाएंगे जो बहुत सरल भाषा में कठिन से कठिन विषयों को बहुत आसानी समझाते हैं। यानी कोई भाषा में आपको वीडियो ऑडियो मिल जाएंगे जिसमें अलग तरह के विषय के बारे में बताया गया है, कोई कॉम्प्लेक्स विषय के बारे में, तो साउंड के बारे में उसे किसी भी यूजर के माध्यम से या टीचर के माध्यम से आपको समझाया जाता है। जो लोग इंटरनेट की शक्ति का उपयोग करके कुछ सीखना चाहते हैं वे बहुत ही शिक्षात्मक वीडियो में ये पाएंगे। यानी जो लोग वीडियो ज़्यादातर देखती हैं वो इसी फैसिलिटी का यूज ज़्यादातर वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से उस वीडियो को हमारे साउंड के माध्यम से हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वे बहुत से शिक्षात्मक वीडियो में पाएंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय को लेक्चर देता है, जैसे आपको अभी प्रेजेंट में लेक्चर दिया जा रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में आपको वो समझाया जा रहा है, पढ़ के बताया जा रहा है, तो ये आपके सीखने की शक्ति को बढ़ाता है। तो ऑडियो किसी विषय को समझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं विषय को समझाने समय विषय की समझ को बढ़ाता है। ऑडियो या साउंड सबसे बड़ा प्रभाव का उपयोग लोगों को संगीत सुनने में समय होता है। आपको ऑडियो के आविष्कार की सराहना करनी होगी क्योंकि इसके बिना हम किसी भी संगीत को नहीं सुन, यानी जिन्होंने साउंड को बनाया है हमें उसका एहसानमंद होना है कि जिसकी वजह से आज हम विभिन्न प्रकार की ऑडियो म्यूजिक या साउंड को सुन रहे हैं। संगीत के बिना हम जिस दुनिया में को जानते हैं वह पूरी तरह से अलग होती है। हम इस महत्व की कल्पना भी नहीं कर सकते और इसमें हमारे जीवन में कितना सुधार हुआ है और ऑडियो या साउंड के आविष्कार ने इसे बहुत सरल बना दिया है। जैसे आपने देखा हो सबसे पहले मूवी आई थी आलमारा, जो आपकी बिल्कुल एक पुष्पक मूवी थी जिसमें बिल्कुल बोलने वाली मूवी नहीं थी। आलमारा तो पहली बोलने वाली मूवी है, एक पुष्पक जिसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं था। तो उस पिक्चर पर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी था और यदि हमको समझ में नहीं आ रही क्योंकि हमको उस पर देखना पड़ रहा है किस प्रकार से उसको फिल्माया गया है। तो साउंड हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। संगीत के बारे में सभी अच्छी तरह बात जानते हैं, यह सार्वभौमिक है, सभी के लिए संगीत और सभी कला का एक रूप है। जैसे कलाकार वाद्य यंत्र द्वारा यानी विभिन्न प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। खराब साउंड एक शानदार ऑडियो प्रोडक्शन को खराब कर देगा। यानी खराब साउंड होगा तो भले वो कितने अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपका पूरा प्रोग्राम बेकार हो जाता है। फिल्मों में, गेम्स में और गानों में साउंड की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के सॉफ्टवेयर या क्राइटेरिया का यूज किया जाता है। ऐसे कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो हमें फिल्म निर्माता, संगीत निर्माता, गेम डिजाइनर बनकर उभरती हैं, जो फिल्मों का निर्माण तीन प्रकार के साउंड के द्वारा करते हैं, जिसमें अपन मानव की आवाज़ डालते हैं, संगीत और साउंड में इफेक्ट डालते हैं जिससे हमारा साउंड एक यादगार साउंड बन जाता है। और इसके अलावा मूवी में कई प्रकार के साउंडों को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें साउंड एवं डायलॉग को बिना किसी देरी के फिल्म में होने वाली क्रियाओं के साथ पूरी तरह सिंक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जिस तरह से वे स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसी तरह के साउंड का भी आना, यदि कोई साउंड स्क्रीन पर एक्शन से मेल नहीं खाता है, जैसे मैं आपको बताया था कभी कभी मूवी चल रही है साउंड लेट हो रहा है तो वो मूवी हमें डिस्टर्ब करती है, तो एक्शन विश्वसनीय प्रतीत नहीं, यानी वो चीज़ हमें नकली दिखाई देती है। तो ये कहने का मतलब साउंड का उपयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और साउंड के माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सकते हैं और उसे इंटरेस्टेड रूप में हम महसूस कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने बात की साउंड के बारे में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम साउंड के इफ़ेक्ट्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड के बारे में। यहाँ भी किसी भी का कोई डाउट्स हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकती हैं। धन्यवाद।